राजवाहा पर नहर टूटने से किसानगढ़ काफी परेशान है। हम ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के कोतवाली लालगंज के अंतर्गत चौकी बरौंधा के ग्राम सभा दिघुली में, जहां हम सिरसा से बरौंधा राजवाहा से दिघुली माइनर पर, जहां पर नहर टूटने से नाली का पानी नहर में चला जाता है। किसान लोग नाली को बार बार बांधते हैं, लेकिन नहर का पटरी बिल्कुल टूट चुका है, इससे नाली का पानी नहर में जा रहा है। किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, इसके लिए किसान काफी मशक्कत करने के बाद इस नाली को बांधते हैं, लेकिन वह बार बार टूट जा रही है। नहर विभाग के अधिकारियों को बार बार सूचना दी जाती है, लेकिन अभी तक इसको नहीं सुधारा गया। वहां पर उपस्थित छविनाथ, गोमती प्रसाद मौर्य, दया राम यादव, सेवालाल यादव, सोहन इतिहास लोगों ने बताया कि हम लोग इस धूप में काफी मेहनत करके इस नाली को खोद रहे हैं, ना इसको ग्राम प्रधान खुदवा रहे हैं, ना विधान के अधिकारी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस नहर को बनवाया जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए श्याम बिहारी की खास रिपोर्ट। इस समय हम दिघुली गांव में आए हैं। यहां पे कुछ किसान हैं और यहां युवा लड़के भी हैं, और जो अपनी समस्या को कुछ बताना चाहते हैं। हम यहाँ जानकारी लेना चाहते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? छविनाथ, कहिए क्या समस्या है? अरे साहब, का कथिन माने झाल टूट गई बा जी, और जी नाली भी टूट गई बा जी, और इधर माने किसान परेशान हैं जी जी, और बेगर पानी का हम लोग तड़प रहे हैं। आप देख रहे हैं मौके से, कम से कम 10 साल से नहर टूटी गया। अच्छा, ये 10 वर्ष से नहर टूटी हुई है। ये आप लोगों को भली भांत पता है? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। किसी अधिकारी को आप लोग बोले? अरे अधिकारी बनाई आन बनाई गए, सब हरे टहरता यहां का ऑप्शन आही देखत रहे हैं। सब देखत हैं भाई, सब देखत हैं। लेकिन आपका क्या नाम है? सेवालाल यादव जी। हाँ, ये समस्या आप लोगों की भी है? सबके है। ये पानी जो है इतना दूर से लाया जाता है, तो इसमें आप लोग अपने मेहनत से साफ सफाई कर रहे हैं? हाँ, अपने मेहनत से देख रहे हो ना। कोरोना में आदमी जिया खाई के कानों से चलाई नाली खनाई जी जी। आपका क्या नाम है? गोमती प्रसाद। गोमती प्रसाद। हाँ, तो ये कितने दिनों से काम लगा है नाली में? अरे साहब, कानों से 2 दिन आती। अच्छा, ये 2 दिन से लगा हुआ है। हाँ, और कितने वो, कितने साथी मिलके काम कर रहे हो? अरे 10-12 जने हैं, तो घी नहीं है। जी 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 जी। और यहाँ पे आप जो वो नहर टूटी हुई है, आप यहाँ के किसी अधिकारियों से आ या कोई प्रधान धान से किसी से बोले? सब बोला गया है, लेकिन सुनता नहीं है। कई बार बोला जी जी। गया है प्रधान तो सुनता नहीं है जी जी। हाँ, प्रधान इधर आता भी नहीं है। कोई ध्यान जी नहीं है। अरे भी एक बोला गया प्रधान के खनाई बोले तो बोला कि जी जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीनानाथ यादव जी जी। आप क्या कहना चाहते हैं इस नाली के बारे में सरकार से? यही है कि झाल यार 10 साल से टूटी है जी, और नाली का मरम्मत नहीं हो रही है। माली है, नाली का सिंचाई करना होगा, तो हम लोगों अपने हाथ से सफाई करते हैं, तो सिंचाई है। नहर भी टूट गई है, नहर भी टूट गई है, नाली का पानी नहर में जाता है जी जी। कहीं कहीं का नाली नरेगा पर खनाई गई, और कभी नहर में पानी कम। गाँव में और नाली नरेगा से खनाई गई है, ये आप लोगों को पता है? जी जी। और ये नाली आप लोग अपने से खुद खन रहे हैं? हाँ, ये नाली अपने से खुद खन रहे हैं जी जी जी। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कि सरकार खनवावे हमारा उपचार कर। अच्छा, और नहर नाली का नाली का रिपेयर हो? हाँ सर। और वहाँ पे झाल बनाया जाए? झाल बनाया। नहर भी टूटी है, नहर को बनाया जाए? नहर को भी बनाया। चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।